हे गाइस, मेरा नाम मित्र, आप देखें ज्ञान फोर। सैमसंग गैलेक्सी टैब S8, ये जो टैब सीरीज है S8 की, ये हमें बहुत ही जल्दी सैमसंग की तरफ से देखने को मिलने वाली है। और इस टैब सीरीज 8 के अंदर हमें 3 नए मॉडल देखने को मिलेंगे। जो कि पहला इसका मॉडल होगा वो होगा सैमसंग गैलेक्सी टैब S8, और जो दूसरा है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 प्लस, और जो तीसरा टॉप वेरिएंट वाला मॉडल है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S अल्ट्रा। ये 3 मॉडल इस बार हमें देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि इसके प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें इसका लॉन्च कब तक देखने को मिल सकता है, इस टैब S8 सीरीज़ का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और टेक वीडियो के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सैमसंग गैलेक्सी टैब S8, तो ये जो सीरीज़ है सैमसंग की टैब की न्यू सीरीज़ है, जो कि हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। और इस सीरीज़ के अंदर हमें 3 मॉडल देखने को मिलेंगे, जो कि पहला है सैमसंग गैलेक्सी टैब S8, और दूसरा जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 प्लस, और जो तीसरा मॉडल है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा। तो अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी टैब S अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन की, तो अगर हम बात करें इसके अंदर डिस्प्ले साइज की, तो इसके अंदर हमें 14.6 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट होगा डिस्प्ले का वो हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसी के बाद अगर हम बात करें इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो इसके अंदर हमें 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, और जो दूसरा वेरियंट होगा वो होगा 12 GB रैम प्लस 512 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसी के साथ अगर हम बात करें टैब S अल्ट्रा के कैमरे की, तो जो इसका रियर कैमरा हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा होगा वो हमें 13 MP का देखने को मिलेगा, और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 5 MP का देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, यानी जो सेल्फी कैमरा उसकी, तो इसके फ्रंट में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कि पहला कैमरा जो होगा प्राइमरी वो 8 MP का होगा, और जो सेकेंडरी कैमरा वो हमें 5 MP का देखने को मिलेगा इसके अंदर। अगर लास्ट में बात करें इस टैब के अंदर हमें बैटरी वगैरह कितनी देखने को मिलेगी, बैटरी और चार्जर, तो इस टैब के अंदर हमें 12,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 45 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। इसका प्राइस जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, यानी कि जो तीनों मॉडल हैं उसके प्राइस जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 प्लस की, तो अगर हम बात करें इसके अंदर डिस्प्ले साइज़ की, तो इसके अंदर भी हमें 12.4 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट होगा वो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगा इसके अंदर भी हमें। उसी के बाद अगर हम बात करें इसके अंदर भी इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो इसके अंदर हमें 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, और जो दूसरा वेरिएंट है वो भी 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा इसके अंदर। अगर बात करें इसके अंदर भी हम कैमरा की, जो रियर कैमरा उसकी, तो इसके अंदर भी हमें अल्ट्रा की तरह कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और दोनों ही कैमरे सेम होंगे। और उसी के बाद अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसके अंदर आपको 8 MP का सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 की, तो अगर हम बात करें इसके अंदर डिस्प्ले साइज की, तो इसके अंदर हमें 11 इंच की LTPS TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट होगा वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसी के बाद अगर हम बात करें इसके अंदर भी इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो इसके अंदर भी हमें 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, और 8 GB रैम प्लस 64 स्टोरेज देखने को मिलेगा इंटरनल वाला। अगर बात करें इसके अंदर हम कैमरे की, तो हो सकता है कि इसके रियर में हमें सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिले, या हो सकता है डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है, बट इसके फ्रंट में हमें सिंगल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके अंदर हम चार्जर और बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 8000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ये भी फास्ट चार्जर के साथ आएगा। अगर हम बात करें इन तीनों ही टैब के अंदर कनेक्टिविटी वगैरह की, तो इसके अंदर हमें LTE 4G और 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो टैब S8 है और S8 प्लस है, इसके अंदर 5G देखने को ना मिले, बट जो टैब S अल्ट्रा है उसके अंदर हमें 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि तीनों के अंदर ही मिल सकता है, क्योंकि अभी इसका कोई फाइनल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इन टैब के प्राइस की, कि इनकी प्राइस क्या हो सकती है। तो जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S अल्ट्रा है उसकी अगर हम बात करें टॉप वेरियंट के प्राइस की, तो 1,08,000 rupees में हमें वो देखने को मिलेगा। और जो इसका सबसे बेस वेरिएंट है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी टैब S8, उसकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग प्राइस की, तो 55,000 से इसकी प्राइस हमें देखने को मिलेगी। और बाकी सबकी प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे जो मैंने आपको प्राइस बताया, ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है। जब सैमसंग कंपनी अपने इस टैब सीरीज़ को इंडिया में लॉन्च करेगी, तब इसका फाइनल प्राइस सामने निकल के आएगा। अब बात करते हैं कि ये टैब जो हमें लॉन्च कब तक देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। तो अभी इन्होंने अपना सैमसंग गैलेक्सी S टैब जो है इसको लास्ट ईयर लॉन्च किया था, और अब जो इसकी जो एक्सपेक्ट और लीक्स के मुताबिक, जो रूमर्स के मुताबिक पता चल रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसकी लॉन्चिंग डेट, वो बताया जा रहा है कि दिसंबर तक हमें लॉन्च देखने को मिल सकता है, या हो सकता है उससे पहले भी लॉन्च देखने को मिल जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि सैमसंग कंपनी इस टैब को कब तक
इंडिया में लॉन्च कर सकती है। आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना है, आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।